अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द पर्की सिस्टर्स। तो आज हम बनाने लगे हैं जलेबी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले शीरा बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक कप पानी। एक कप पानी में हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप शुगर। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। नो बेबी नो। और साथ ही हमने डालनी है इसमें 3 से 4 इलायची। इनको खोल के हमने वो इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और हम इसको पकने देंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाए। दूसरी तरफ हम बनाते हैं एक बैटर, जिसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून हम लेंगे पानी। नो बेबी नो बेबी नो। इसमें हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून। हम इसमें ऐड करेंगे शुगर के। जाओ मोबाइल लेके आओ, उतरो। शुगर ऐड करने के बाद हमने इसमें डालना है 1/2 टेबलस्पून ईस्ट। ये मिक्सचर हमने बना के इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो ये अच्छे तरीके से राइज हो जाएगा। नो बेबी नो। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। कवर करके इसको मैं रख दूंगी 15 से 20 मिनट, ये अच्छे से राइज हो जाएगा। दूसरी तरफ ये हमारा शीरा पक रहा है। शीरा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। नो गुड़िया, ये देखिए अब ये हो गया। हमने इसको हाथ पे चेक करना है। देखें इसकी एक वो धार सी बनती है, तो उससे जो है ना ये पता चल जाता है कि ये कुक हो चुका है। हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और इसमें हमने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है। आपकी मर्जी है, आप ये बॉटल वाला यूज करें या आप फ्रेश लेमन का जूस निकाल के वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नो गिर जाओगे। अब हम बैटर बनाते हैं जलेबी के लिए। उसके लिए हमें ये जो ईस्ट का हमने मिक्सचर बनाया था, ये देखें ये कितना राइज हो गया है। ये चाहिए पानी जितना ज़रूरी होगा वो हम डालेंगे। तो हम 1 कप ले रहे हैं। 1 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है। 1 टेबलस्पून हमने रंग लिया जो कि जर्दे का रंग है। मैदा है 1 कप और ऑयल था हमारे पास 1 टेबलस्पून। अब हम ये सब कुछ एक बाउल में मिक्स करेंगे। ये मेरा बेबी जो है ना यहाँ पे, वो आज जलेबी बनाने के लिए आया हुआ है। सब कुछ डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी आपने ध्यान से डालना है कि बहुत पतला बैटर भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। कंसिस्टेंसी का आपने बहुत ध्यान रखना है। पतला होगा तो उससे भी जलेबी सही नहीं बनेगी, और अगर गाढ़ा होगा तो उससे भी सही नहीं बनेगी। ये मैं सारा मिक्स करके इसका बैटर बना के मैं फिर आपके पास वापस आती हूँ। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसको हम बॉटल में डाल लेंगे। मैंने कैचअप वाली जो बॉटल होती है उसी में इसको डाल लिया। अगर आपके पास बैग हैं जो पाइपिंग बैग्स होते हैं, अगर वो हैं तो उसमें डाल लें। इसमें से बनाना इजी होता है। सारा बैटर हमने बॉटल में डाल लिया है। अब हम फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आपने इतना लेना है कि अच्छे से आपकी जलेबी उसमें फ्राई हो जाए। ऑयल जब गर्म हो जाएगा अब हम इसमें अपनी जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, तो हमने जैसे ही उसमें जलेबी डाली वो पकना स्टार्ट हो गई है। इसी तरह हम एक और डालेंगे, साथ साथ हम डालते जाएंगे इसके अंदर। ये देखें अच्छी तरह हमारी जलेबी फ्राई हो रही है। जैसे ही ये फ्राई होगी हमने इसको निकाल के साथ ही जो है ना हमने इसको वो जो शीरा हमने बनाया था उसमें हमने इसको डिप कर देना। ये शीरा हमने बनाया था, अब हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे और अब जैसी जलेबी हमारी रेडी होगी वो हमने इसके अंदर डिप कर देनी है। ये देखिए हमारी जलेबी भी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़े का कलर आया है इसका और बहुत ही मज़े की बनती है, क्रिस्पी सी भी बनती है, टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अब हम इसको निकाल के इसको हम डाल देंगे शीरे में, अच्छी तरह हम डिप करेंगे और 3 से 4 सेकंड हमने इसको शीरे में रखना है और फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सारी जलेबियाँ इसी तरह मैं बना के तो मैं आपके पास आती हूँ। साइज़ आपकी मर्जी है, ये कुछ हमने जो है 1 बाइट की बनाई थी छोटी छोटी सी। साइज़ आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी या छोटी बनाना चाहें। ये देखिए फाइनली हमारी जलेबी रेडी हो गई है, बहुत ही यम्मी बहुत ही मज़े की बनती है। प्लीज़ लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं, हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।